नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की 2020 में बहुत ही धमाकेदार फिल्में आने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की 2020 में आने वाली फिल्मों की लिस्ट लेकर आ गया हूं। और दोस्तों जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की 2020 में आने वाली फिल्मों की सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं आप लोगों की दूर करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरी गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली फिल्म है दोस्तों जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की भोजपुरी की पहली बायोपिक फिल्म जिसका नाम है मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है दोस्तों और इस फिल्म की एडिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिया गया है दोस्तों और इस फिल्म के पोस्टर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। और अब इस फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। इस फिल्म को इसी साल दिसंबर के लास्ट तक या फिर अगले साल नए साल पर इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और शमीम खान लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म को प्रोड्यूस किया है वसीम एस खान जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष मिश्रा जी ने। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की दूसरी आने वाली फिल्म है दोस्तों आ गई ले बाराती बारात लेके। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और पंजाबी एक्ट्रेस जसविंदर कौर लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग मथुरा में कंप्लीट कर ली गई है दोस्तों और इस फिल्म की एडिटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आ गई ले बाराती बारात लेके इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है संजय सिंह और प्रदीप भास्कर जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल वर्मा जी ने और इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा दोस्तों। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की तीसरी आने वाली फिल्म है दोस्तों वीर कुंवर सिंह हाजिर हो। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली लीड रोल में नजर आएंगी दोस्तों। इस फिल्म की शूटिंग को 2020 में मार्च अप्रैल के महीने में शुरू किया जाएगा। वीर कुंवर सिंह हाजिर हो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है संजय निषाद जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देव पांडे जी ने और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की चौथी आने वाली फिल्म है दोस्तों यूपी के लाल। इस फिल्म का शुभमुहूर्त कर दिया गया है दोस्तों। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों और इनके अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर शक्ति कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। यूपी के लाल फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजुल ठाकुर जी ने और इस फिल्म की शूटिंग को 2020 में शुरू किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यह भी बताया गया कि इस फिल्म को 2020 में ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की पांचवी आने वाली फिल्म है दोस्तों ठीक है। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों। और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी के प्रसिद्ध सिंगर नीरज निराला इस फिल्म के जरिए डेब्यू करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष मिश्रा जी ने और इस फिल्म के डीओपी हैं यश तिवारी जी। और दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग को बनारस में कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों और जल्दी इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग को शुरू किया जाएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि इस फिल्म को 2020 के लास्ट तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की छठवीं बहुत ही धमाकेदार फिल्म आने वाली है दोस्तों जिस फिल्म का नाम है गबरू और इस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, संजय पांडे और मनोज टाइगर लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मधु पांडे और महेश पांडे जी ने और इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर हैं महेश पांडे जी। इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों और इस फिल्म की एडिटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की सातवीं आने वाली फिल्म है दोस्तों गंगा किनारे मोरा गांव 2। इस फिल्म का नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया है दोस्तों। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय खरे जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजुल ठाकुर जी ने। और दोस्तों इस फिल्म को सन 2020 या फिर 21 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की आठवीं आने वाली फिल्म है दोस्तों पटना से पाकिस्तान 2। इस फिल्म की स्टोरी पर जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अनंजय रघुराज जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष मिश्रा जी ने। और दोस्तों उम्मीद है कि इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों और इस फिल्म को 2020 या फिर 21 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की नौवीं आने वाली फिल्म है दोस्तों वंदे मातरम। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। यह फिल्म देशभक्ति और स्पोर्ट्स पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अनंजय रघुराज जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश मिश्रा जी ने। और दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज किया गया था। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की दसवीं आने वाली फिल्म है दोस्तों लव यू सावरिया। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और अंजना सिंह की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। और दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग बहुत समय पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों।
दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है राजेश गुप्ता जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अजीत श्रीवास्तव जी ने। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 10वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों निरहुआ द लीडर। इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट कर लिया गया है दोस्तों और इस फिल्म की एडिटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को दीपावली के शुभ अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीना केसरी जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वाई जितेंद्र जी ने। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। और इस फिल्म को 2020 में होली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 12वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों दूल्हा हिंदुस्तानी। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव आम्रपाली दुबे सुबी शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। दूल्हा हिंदुस्तानी फिल्म को प्रोड्यूस किया है अभय सिन्हा और समीर आफ्ताब जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है असलम शेख जी ने। इस फिल्म की फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग को लंदन में कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों और इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 13वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों निरहुआ चलल अमेरिका। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वाई जितेंद्र जी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है नासिर जमाल और एजाज अहमद जी ने। और दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज किया गया था। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में या फिर 21 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 14वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों निरहुआ चलल ससुराल 3। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वाई जितेंद्र जी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है नासिर जमाल जी ने। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 या फिर 21 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 15वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों रोमियो राजा। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव आम्रपाली दुबे और मनोज टाइगर लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है दोस्तों और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग को झारखंड में किया जा रहा है। रोमियो राजा फिल्म को प्रोड्यूस किया है राजेश कुमार वर्मा और बाबू भाई ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनोज नारायण जी ने। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 16वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों पटना जंक्शन। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सुजीत तिवारी जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष मिश्रा जी ने। और दोस्तों इस फिल्म को 2020 या फिर 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 17वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिलीप जायसवाल जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष मिश्रा जी ने। इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज किया गया है दोस्तों और इस फिल्म को उम्मीद है कि 2020 या फिर 21 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 18वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों निरहुआ हिंदुस्तानी 4। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को जुबली शाह दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। इस फिल्म की स्टोरी पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रवेश लाल यादव जी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजुल ठाकुर जी ने। और दोस्तों उम्मीद है कि यह फिल्म 2020 या फिर 2021 में सिनेमाघरों में फिर से धूम मचाने आएगी। जुबली शाह दिनेश लाल यादव की 19वीं आने वाली फिल्म है दोस्तों वीर योद्धा महाबली। यह फिल्म बहुत ही भारी बजट की फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म के कुछ पार्ट की शूटिंग कर लिया गया है दोस्तों और इस फिल्म के कुछ पार्ट की शूटिंग अभी बाकी है। और दोस्तों इस फिल्म का बजट बहुत ही भारी होने के कारण इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। और दोस्तों यह भी बताया गया था कि यह फिल्म बहुत ही भारी बजट होने के कारण इस फिल्म की शूटिंग को अब नहीं किया जाएगा और दोस्तों यह फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों अभी इस फिल्म के आने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जुबली शाह दिनेश लाल यादव ने लाइव आकर बताया था कि इस फिल्म के कुछ पार्ट की शूटिंग हो गई है दोस्तों और कुछ पार्ट की शूटिंग को जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोलेंगे तो शूटिंग किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।